मीठा काजू रोल। मीठा काजू रोल बनाने की विधि। काजू रोल के लिए आपको बगैर नमक वाले पिस्ता लेने हैं करीब 80 ग्राम और इसे मिक्सी में डालकर ऐसे पाउडर बना लें। अब एक गर्म पैन में चीनी डालें करीब 70 ग्राम और थोड़ा सा पानी। इसकी चाशनी बनानी है हमें। चाशनी बिल्कुल वैसे ही हो जैसे कि आप गुलाब जामुन की चाशनी बना रहे हों। इसे आप अपनी उंगलियों पर लेकर या ऐसे दबा कर भी देख सकते हैं। अब इसमें पिस्ता पाउडर डालकर मिलाते रहें ऐसे और तुरंत अपना चूल्हा बंद कर दें। फिर इसमें थोड़ा इलायची पाउडर डालें और दोबारा अच्छे से मिलाकर एक थाली में ऐसे निकाल लें। अब ठीक उसी तरह काजू को भी मिक्सी में डालकर इसका पाउडर कर लें और चूल्हे पर पक रहे चाशनी में काजू पाउडर डालते हुए मिलाते रहें। थोड़ी इलायची पाउडर भी डालें स्वाद के लिए। अब अपना चूल्हा बंद कर दें और पिस्ता के आटे को ऐसे प्लास्टिक पन्नी पर रख कर बेलें। किनारों से रोटी फट भी रही है लेकिन आपको घबराने की कोई बात नहीं है। अब ठीक उसी तरह काजू की भी ऐसी रोटी बना लें। अब आपके पास दो तरह की रोटियां हैं। प्लास्टिक की पन्नी पर पिस्ते की रोटी पर काजू की रोटी रखें ऐसे। अब धीरे से और आराम से मोड़ें दोनों उंगलियों से ऐसे पकड़कर दबाते हुए। अब किनारों को चाकू से ऐसे काट लें और इसे हटा दें। अब बची हुई रोटी को ऐसे कतरों में काट लें। ऊपर से चांदी की वरक लगा दें और देखिए सफ़ेद और हरे रंग की मीठी मीठी काजू बर्फी या मीठा काजू रोल तैयार है। बस अब अपना मुंह मीठा करें जल्दी से।